दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक महान बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ओपनर्स की खराब फॉर्म, स्पिन गेंदबाजों की जबरदस्त पिटाई, बल्लेबाजी का बिखरना विश्व कप के सफर में चिंताओं से घिर गया है। भारतीय खेमा हेड कोच राहुल द्रविड़ निकालना चाहते हैं सभी परेशानियों का हल और बांग्लादेश के खिलाफ उतारना चाहते हैं वो भारत की सबसे खतरनाक प्लेइंग 11। तो किस धुरंधर को राहुल द्रविड़ दिखाने वाले हैं बाहर का रास्ता और कौन होने वाला है टीम में शामिल और किसे माना है राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया का एक्स फैक्टर, वो सब कुछ हम आपको अपने इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, राहुल और सूर्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज, हमें नीचे एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, भारत की जीत का रथ अफ्रीका ने रोककर हमारे कॉन्फिडेंस को हिला दिया है। इसी के साथ उन्होंने हमारे सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को भी एक करारा झटका दिया है, जिसके बाद पूरा भारत बेचैन है कि अब कैसे भारतीय टीम करेगी अपने अगले मैच में वापसी, जो कि 2 नवंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होने वाला है। इस मैच में भारतीय टीम केवल मुकाबले को जीतने के इरादे से ही नहीं बल्कि मैच को बड़े अंतर से जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह निश्चित करने के इरादे से उतरेगी, जहां हमें प्लेइंग 11 में ढेर सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम की कलाई खोल दी थी और बता दिया था कि बाहर से इतनी मजबूत दिखने वाली भारत को ध्वस्त किया जा सकता है। ऐसे में हेड कोच राहुल द्रविड़ इस मैच में हमें जीत दिलाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने मास्टर प्लान भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें, ओपनिंग क्रम में सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने का मौका काफी लंबे समय से टीम में जगह तलाश रहे ऋषभ पंत को दिया जा सकता है। जी हां, इसके लिए केएल राहुल को बाहर जाना पड़ेगा, जो भारतीय टीम की जीत के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि राहुल ने अब तक खेले 3 मैचों में सभी को निराश किया है और ऋषभ पंत ने ऑस्ट्रेलिया में अपना लोहा मनवाया हुआ है, जिन पर पूरा भारतीय खेमा भरोसा जता रहा है। दोस्तों, जिसके बाद किंग कोहली के साथ सूर्य कुमार यादव एक बार फिर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की बागडोर संभालेंगे और अपनी बेहतरीन फॉर्म को जारी रख भारत को जीत की पटरी पर लाएंगे, जिनका साथ भारतीय टीम हार्दिक पांड्या निभाते हुए हमें दिखाई देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी, जैसा वो बांग्लादेश के खिलाफ भी दोहराना चाहते हैं। बतौर विकेट कीपर दिनेश कार्तिक एक बार फिर विकेट के पीछे और अपनी तूफानी बल्लेबाजी से मैच में पलटने के लिए बेताब है, जिनका साथ एक बार फिर हमें दीपक हुड्डा निभाते हुए दिख सकते हैं। अब बात करें स्पिन डिपार्टमेंट की, तो इसमें हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और रविचंद्रन अश्विन की जगह युजवेंद्र चहल प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं, जिसके बाद भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े हथियार पेस अटैक की कमान एक बार फिर स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार के हाथों में रहने वाली है, जिनके साथ अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी बांग्लादेश रौंद कर भारतीय टीम को जीत दिलाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम धमाकेदार वापसी कर फाइनल में अपनी जगह बना पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।